नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। आजकल के हमारे लाइफस्टाइल, सिडेंट्री जो लाइफस्टाइल हो गया है, खाना आदि, उन सभी की एक कारण, ये सब एक बड़े कारण के रूप में हमें एक बड़ी प्रॉब्लम की ओर ले जा रहे हैं, और वो हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसमें हमारे भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है, जिसमें हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। ऐसा कुछ हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं वो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने आने लगती हैं। उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो देखने को मिलती हैं हाइपरटेंशन में, जैसे कि सर में दर्द होने लगता है ना, हार्ट में, चेस्ट रीजन के पास में, हार्ट के पास में दर्द होने लगता है। पहले ये धीरे धीरे होता है, फिर धीरे धीरे करके दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। उसके बाद अब हाइपरटेंशन दो प्रकार के, मतलब दो तरह से किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो सकता है। या तो वो बहुत पुराना हो सकता है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, उसकी काफ़ी सारी दवाइयाँ ले ली गई हैं और बहुत सी चीज़ों का उपयोग उसको ठीक करने के लिए किया जा चुका है, या फिर नया अभी अभी जो शुरू हुआ है, ऐसा हाइपरटेंशन हो सकती है। तो हाइपरटेंशन हम बेसिकली आजकल इस सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक है ना, उसको हम लेते हैं 130 से ऊपर, या फिर जो डायस्टोलिक हमारा ब्लड प्रेशर है वो 90-100 से ऊपर अगर हो तो हाइपरटेंशन मानते हैं हम उसको। उसके बाद हम इसमें घर बैठे हम कर क्या सकते हैं इसके लिए, तो वो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हम सबसे अच्छा उपचार, अगर आपका जो हाइपरटेंशन है वो नया शुरू हुआ है, तो उसमें हम सबसे पहले अनुलोम विलोम कर सकते हैं, है ना। उसमें एक नासा से जो है हमें ब्रीद इन करना होता है और दूसरी नासा से उसको निकालना होता है ना, ब्रीद आउट करना होता है। उसके बाद हम एक भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें हम अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर और कान पर लगाकर ओम का उच्चारण लंबे स्वर में करते हैं। ये 5-5 मिनट के अंतराल पर, 2-2, 3-3 मिनट तक करना है। इससे बहुत फ़ायदा आपको सुबह उठकर करना होता है, ये बहुत फ़ायदा आपको हाइपरटेंशन में मिलता है। इसी के साथ साथ आप मुक्तावटी का सेवन भी कर सकते हैं। मुक्तावटी की बाइंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपका हाइपरटेंशन नया शुरू हुआ है, आपको ये प्रॉब्लम नई शुरू हुई है, हेडेक रहने लगा है और ऐसी टाइप की चीज़ें हो रही हैं, तो आपको ये करना चाहिए। और अगर आपका जो हाइपरटेंशन है वो पुराना हो गया है, क्रॉनिक है, बहुत दिनों से चला रहा है, तो उसमें आपको जो आपकी दवाइयाँ चल रही हैं वो एकदम से नहीं छोड़नी है। आपको टेपर फॉर्म में धीरे धीरे करके एक एक डोज कम करके आपको उनको छोड़ना है, और आपको इस प्राणायाम और मुक्तावटी के सेवन पर उतरना है, जो आपके लिए अच्छा रहेगा और आपको इस आपकी इस हाइपरटेंशन वाली प्रॉब्लम से पूर्णतः आपको लाभ प्रदान करेगा।